मध्य प्रदेश के धार की ओर रुख करते हैं, जहां जिले के प्रभारी मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा पर उंगली उठा रही है, कांग्रेस को शर्म आना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 तक कांग्रेस सपने में भी नहीं सोचे कि वह सत्ता में आ सकती है। धार में रेशम संचालनालय मध्य प्रदेश शासन कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा संभागीय रेशम कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें धार जिले के प्रभारी मंत्री अतर सिंह आर्य ने शिरकत की। इस दौरान सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि वह नर्मदा सेवा जैसी यात्रा पर सवाल उठा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि 2024 तक कांग्रेस सत्ता में आने के सपने भी नहीं सोचे। उनको शर्म आना चाहिए, इतना महान कार्य, विश्व में ऐसा कार्यक्रम पहली बार नदी संरक्षण के मामले में नहीं हुआ। बड़े बड़े लोग आकर उसका समर्थन कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कांग्रेस के लोगों ने इस सेवा यात्रा के ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कल कहा है कि वो लाल बत्ती का उपयोग नहीं करेंगे, तो कांग्रेस की बौखलाहट समझे? अरे गई कांग्रेस, 2024 तक सपने में भी नहीं सोच रहा कि हम सरकार बनाएंगे। ठीक, जब तक मोदी हैं कुछ नहीं होना है। साथ ही उन्होंने केंद्र के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने देश भर में विकास किया है। अमर वर्मा, धार समाचार एक्सप्रेस।